आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सर एके रंजन आज आप लोगों के लिए डॉली द क्लोन शिप वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्लोनिंग है क्या। व्हाट इज़ क्लोनिंग? इट इज़ डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ सेल्स और पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और सिमिलर टू वन अनदर। अगर हिंदी में समझें तो क्लोनिंग क्या है, किसी समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया ही क्लोनिंग कहलाती है। आपको मैं बता दूं कि सर्वप्रथम किसी जंतु की सफलतापूर्वक क्लोनिंग इयान विल्मट और उनके सहयोगियों के द्वारा एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में रोजलिन इंस्टीट्यूट में की गई थी। उन्होंने एक भेड़ को क्लोन लिया और उनका ही नाम उन्होंने डॉली रखा। तो स्टोरी समझते हैं डॉली का कि ये डॉली बनी कैसे। तो इसके लिए डॉली की क्लोनिंग करते समय फिन डॉर्सेट नामक मादा भेड़ यानी कि फीमेल भेड़ की अस्तन ग्रंथि को ही हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल्स। यही अस्तन ग्रंथि मेमोरी सेल्स को अडर सेल्स भी कहा जाता है। तो अडर सेल्स या मेमोरी सेल्स का छोटा सा भाग लिया गया और फिर उसी समय स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से एक अंड कोशिका भी एकत्र की गई, एक सेल्स से वहाँ से लिया गया। स्कॉटिश ब्लैक फेस ये एक डोनर है उससे, और फिर अंड कोशिका से केंद्रक को हटा लिया गया। सेकेंड प्रोसेस में आप देख रहे हैं इसमें न्यूक्लियस है, रिमूव द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग। जो यहाँ पर एग से न्यूक्लियस को निकालें तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन न्यूक्लिएशन। और इधर फिन डॉर्सेट में मेमोरी सेल्स है उसको लिए, उसमें जो है न्यूक्लियस को रहने दिए, सेलेक्ट सिंगल सेल्स ओनली। ओके नाउ अब क्या करना है? तत्पश्चात फिन डॉर्सेट भेड़ की स्तन ग्रंथि से ली गई कोशिका के केंद्रक को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव की केंद्रक विहीन अंड कोशिका में स्थापित किया गया। इस प्रकार उत्पन्न अंड कोशिका को स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव ने में रोपित कर दिया गया। और ये देख रहे हैं ये ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे जब ये पहुंचा सेल डेवलप करने के बाद, तो इसको डाल दिया गया एक सरोगेट ईवी के गर्भ में, जहाँ पर इसका गर्भकाल था 5 महीने का। और ये जब गर्भकाल पूरा हो गया और तब गर्भकाल पूरा होने के बाद इसने डॉली को जन्म दिया। इसमें हम देख सकते हैं कि स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव के केंद्रक को अंड कोशिका से हटा दिया गया था, अतः डॉली में स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं हुआ। जो ये डॉली का जन्म हुआ उसमें एक जो डोनर था उसका जो न्यूक्लियस हटा देने के कारण उसका कोई भी लक्षण इसमें नहीं आया। और डॉली एक फिन डॉर्सेट भेड़ की स्वस्थ क्लोन थी जिसने प्राकृतिक लैंगिक जनन के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अनेक संततियों को जन्म दिया। और दुर्भाग्य से फेफड़े के रोग के कारण उसकी मृत्यु 14 फरवरी 2003 को हो गई। और डॉली के बाद स्तनधारियों के क्लोन बनाने के लिए और भी अनेक प्रयास किए गए, परंतु बहुत तो जन्म से पहले ही मर गए तथा कुछ जन्म के ही कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। अक्सर क्लोन बनाने वाले जंतुओं में जन्म के बाद कुछ विकृतियां होती रहीं, परंतु डॉली का जीवन बहुत ही सफल रहा। और भी ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स।